सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं बी और आज हम फिर से लेकर आए कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज, टेक अपडेट्स और इन सब के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है हुआवे की तरफ से। जैसे कि आप सभी जानते हैं हुआवे का ओनर 8 प्रो काफी अच्छा फोन था, इंडिया में काफी चला और वन प्लस 5 तक को टक्कर देता है उसका कैमरा और उसकी परफॉर्मेंस। तो हुआवे की तरफ से ये अगला फोन आ रहा है, ये इंडिया में आएगा या नहीं आएगा ये तो कंफर्म नहीं है, पर अगला फोन है हुआवे मेट 10। इसके अंदर भी डुअल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिलेगा और ये लॉन्च हो रहा है 16th October को जर्मनी में। अब देखते हैं फोन कैसा परफॉर्म करता है और मेन बात यह है कि क्या ये इंडिया में आता है। अगली न्यूज आ रही है सोनी की तरफ से। सोनी का एक्सपीरिया XZ1 आ रहा है और उसकी इमेजेस देख सकते हो आप। इमेजेस के अंदर हमें दिख रहा है कि ये इस तरह से है, पर सोनी की अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। ऊपर और नीचे हमें काफी बड़ा फोरहेड और चिन मिलती है और डिस्प्ले छोटी लगती है। तो आजकल के अकॉर्डिंग जो हमें फुल विजन डिस्प्ले मिल रही है उसको ये टक्कर नहीं दे पा रहा। हालांकि इसका कैमरा काफी अच्छा है जो स्लो मोशन वीडियोस काफी अच्छी रिकॉर्ड करता है, पर डिजाइन में भी अगर थोड़ा सोनी वर्क करे, वही हमें ओल्ड ट्रेडिशनल सोनी का डिजाइन मिलता है, अगर उसमें भी सोनी वर्क करे तो मेरे हिसाब से सोनी कवर कर सकता है। अगली न्यूज एसुस की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं एसुस का ZenFone 2 काफी चला था इंडिया में। एसुस का ZenFone 3 आया था इंडिया में, वो नहीं चला क्योंकि उसकी प्राइसिंग काफी हाई थी। पर जो भी हो, अगला फोन आ रहा है ZenFone 4 और इसके अलग अलग वेरियंट जैसे कि आप सभी जानते हैं आते हैं ZenFone 4, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Selfie एंड ZenFone 4 Selfie Pro। ये चारों लीक होकर आए हैं और लीक के अकॉर्डिंग जैसे कि आप इमेजेस देख सकते हो, डुअल कैमरा मिलेगा हमें, सेल्फी में काफी अच्छा हमें कैमरा देखने को मिलेगा और देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होती है। ZenFone 3 में प्राइसिंग काफी हाई थी और इंडियन मार्केट को वो नहीं बीट कर पाया था। इसके साथ देखते हैं ऐसे क्या प्राइसिंग रखता है और क्या ये इंडियन मार्केट में MI जैसे प्राइस कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाता है। अगली न्यूज गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल पिक्सल 2 SCC सर्टिफिकेशन में आया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 8.0.1 जो कि एंड्रॉइड ओ होगा। एंड्रॉइड ओ का नाम खैर अभी नहीं पता, पर एंड्रॉइड 8 इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा और एक्टिव एज स्क्वीज फीचर मिलेगा जो हमें HTC के यू अल्ट्रा में देखने को मिला था। अगली न्यूज आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम के अंदर जैसे कि हमें फेसबुक के अंदर कमेंट्स देखने को मिलते थे, थ्रेडिंग मतलब कि एक कमेंट का रिप्लाई करते थे तो एक अलग कमेंट नहीं आता था, उसी कमेंट के अंदर अलग सेशन बन जाता था। ये इंस्टाग्राम में पहले नहीं था पर अब नए अपडेट में आ गया है। तो ये अब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया है तो थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही। खैर, अगली न्यूज शाओमी की तरफ से आ रही है। शाओमी का Redmi 5A आ रहा है, Redmi 5A या Redmi Note 5A, दो फोन आ रहे हैं अलग अलग। अब देखते हैं कौन सा आता है पहले। Redmi 5A जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से आएगा। 4A काफी अच्छा फोन था, 6000 रुपीज में इंडिया में काफी अच्छा चला था। और 5A भी देखते हैं कि हमें 5 इंच में प्लास्टिक फाइबर बॉडी के अंदर, अगर हम मेटल बॉडी की तरफ नहीं जाते, थोड़ा उधर पैसे बचा के अगर हम फाइबर बॉडी में ही फोन लेते हैं तो क्या रहेगा। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 625 मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और साथ ही साथ हमें इसके अंदर 720p डिस्प्ले मिलेगी। डिस्प्ले यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके अंदर दो वेरिएंट्स होंगे, एक होगा अगर हम चाइनीज रुपये के हिसाब से देखें तो 1000 CNY जो कि होगा स्नैपड्रैगन 430 बेस्ड प्रोसेसर, और होगा एक CNY 1200 जो कि होगा स्नैपड्रैगन 630 या 625 प्रोसेसर बेस्ड। अगर इन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 10,000 और 12,000 का एक फोन आने वाला है और ये इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि रेडमी की सीरीज तो इंडिया में आई जाती है, हमें MI वाली सीरीज नहीं मिलती। अगली न्यूज गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने अपना वॉइस सपोर्ट और बढ़ा दिया है। हालांकि वॉइस असिस्टेंट सिर्फ इंग्लिश में ही है, वॉइस सपोर्ट जैसे हमें गूगल अलो ऐप है उसके अंदर अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज सपोर्ट करती थी, पर अब नई 30 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी है। ये लैंग्वेजेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारी लैंग्वेजेस और ऐड हुई है। हालांकि आपसे अगर आप गूगल असिस्टेंट में जाते हो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, पर अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो अपने फोन से इन लैंग्वेजेस में तो आप अब कर सकते हो और आपको आंसर रिटर्न में मिलेगा। आईफोन 8 की कुछ रियर शेल्फ लीक होके आए हैं। फॉक्सकॉन प्लांट के अंदर आप देख सकते हो इस वीडियो में हमें शेल्फ दिख रहे हैं और भाई हमें वर्टिकल में डुअल कैमरा सेटअप दिखेगा। रियर कैमरा शेल्फ के अकॉर्डिंग ये आ रहा है और फुल स्क्रीन डिस्प्ले की लीक तो काफी आ रही है कि फुल स्क्रीन हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज वन प्लस
के लिए है वन प्लस थ्री, और वन प्लस थ्री का लास्ट अपडेट होगा एंड्रॉयड ओ का, और छोटे मोटे अपडेट तो होते रहेंगे, पर एंड्रॉयड अपडेट जो मेजर अपडेट है वो एंड्रॉयड ओ तक होगा। एंड्रॉयड ओ से ऊपर एंड्रॉयड वर्जन वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी में नहीं जाएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं वन प्लस टू में भी नोकट नहीं आया था। थ्री और थ्री टी में एंड्रॉयड ओ तक स्टॉप हो जाएगा, और वन प्लस फाइव का तो अभी खैर लेटेस्ट डिवाइस है तो इसमें तो अपडेट्स आएंगे ही। खैर तो आज की टेक न्यूज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या क्या लेटेस्ट टेक में हो रहा है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।